हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बाइसेक्शन मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो बाइसेक्शन मेथड होता क्या है कि सपोज़ आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो और बाइसेक्शन हमें बाइसेक्शन मेथड से हमें क्या बोलना है, इसमें हमें बेसिकली कोई फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स जीरो पहुँच रहा है तो हमें एक्स का वो वैल्यू चाहिए, राइट। दिस इज एक्चुअली वो रूट, इसी को हम बोलते हैं रूट निकालना। बेसिकली तो हमें वो एक्स का वैल्यू चाहिए जिसके लिए वो फंक्शन ज़ीरो हो जाए। तो हमें वो एक्स का, ये अगर वाई एंड ये एक्स है, वाई एंड दिस इज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमें हमारा वैल्यू फंक्शन जो है ज़ीरो हो रहा है। सो दिस इज एक्चुअली ये जो एक्स का वैल्यू होगा ये इस फंक्शन का रूट होगा। तो हमें बोला कुछ, हमें बाइसेक्शन मेथड से हमें क्या होता है, हमें फंक्शन का रूट निकालना है, राइट। तो इसमें तरीका कैसा है, एक बार व्हाट इज़ द मेथड। तो इमेजिन आपके पास कोई इंटरवल दे रखा होगा, तो इसका निकालने कैसे है कि फर्स्ट आपको इमेजिन आपके पास कोई एक इंटरवल दे रखा है, ठीक है। तो वो इंटरवल क्या है कि इसमें सपोज़ ये एक्स वन है और ये एक्स टू है, ठीक है। तो आपका काम क्या है कि आपको पहले वो फंक्शन ऑफ एक्स वन का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और एफ ओ और ये वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, बिकॉज क्या है कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव वाई एक्सिस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सिमिलरली हम एफ ऑफ एक्स टू निकालेंगे और ये जो एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा बिकॉज ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, राइट। तो हमारा अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगा, राइट। तो जी नेगेटिव आएगा। तो एक हमें एक और क्या करते हैं, हम एक और एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक्स थ्री, ठीक है, एक एक्स थ्री। अगर हम एक्स थ्री को हम या एक्स थ्री का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, राइट। पर और अगर हम एक्स एफ ऑफ एक्स टू एंड एफ ऑफ एक्स थ्री को प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये दोनों दोनों जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस के इस ये दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस के इस रीजन में, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव वाई एक्स सॉरी दोनों जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के वैल्यू पे एरिया पे वो लाई करता है। तो ये दोनों वैल्यू जो है इस दोनों इससे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगेन अगर हम इसको इस और एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज कि मैं इसको बोलता हूँ एक्स फोर, ठीक है, और वो ये वाला पॉइंट है। नाउ अगर मैं एफ ऑफ एक्स फोर निकालूँ, एक्स फोर ये भी एक नेगेटिव वैल्यू देगा मेरे को, और एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स फोर करने पर मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, राइट। पर अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्स वन और एक्स टू कंसिडर करता हूँ, लाइक एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू सॉरी एफ ऑफ एक्स फोर और एक्स टू करता हूँ, ये नंबर और ये वाला एक्स टू करता हूँ, तो इसमें क्या है, ये नेगेटिव आएगा, राइट। तो यानी ये सारे इंटरवल्स, लाइक इवन इफ यू डू इट, अगर एक्स फोर या एक्स फोर ऐसे ये सारे फेस एक्स फोर एक्स थ्री एक्स फोर एक्स टू, ठीक है, या फिर या तुम्हारा एक्स वन एक्स थ्री एन एक्स वन एक्स फोर, ये सारे अगर हम पेयर्स कंसिडर करें इसमें इसे वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। और अगर बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो आ रहे हैं वो सारे कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा रीज़न ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ के बीच में, लाइक इन सारे कॉम्बिनेशंस में अगर हम x1 और x4 कंसीडर करेंगे तो हम x1 और x4 कंसीडर करेंगे तो ये रहा x1और ये रहा x4, ठीक है, सॉरी अगर हम x1 और x2, ये सॉरी माय अपोलॉजी, ये x1 x4 x3 ये x4 x2, ठीक है, x1 x3 एंड x1 x2, ये x2 होगा, ठीक है, ये x2 होगा, ये x2 होगा,
तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ये x1 और x2 ये दोनों के बीच में ये दोनों सारे वैल्यूज जो है ये नेगेटिव आ रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके बीच में ये वैल्यू ज़ीरो जो है लाई करता है, ठीक है। ये वैल्यू ज़ीरो इसका मतलब है कि ये दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब इस दोनों के बीच में वैल्यू ज़ीरो लाई कर रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर हम x2 और x3 कंसीडर करें, इसमें जो इसका जो प्रोडक्ट है ये दोनों पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इसका इस ये इससे हम क्या पता चलता है कि इसके बीच में जो कोई वैल्यू है वो ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसमें इसके केस में जो कि वो अब एक ज़ीरो हो सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बाइसेक्शन मेथड का कि अगर तुम्हारे पास तुम कोई इंटरवल ले रहे हो से एक्स से तुम ए कोमा बी इसमें ए कोमा बी को इंटरवल ले दो, ठीक है, ए कोमा बी को इंटरवल ले दो कंसिडर कर दो, तुम्हारा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी जो है वो तुम्हारा वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कोई भी तुम्हारा बाइसेक्शन मेथड का। तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है कि तुमने कोई भी इंटरवल लिया तो तुम्हारा उसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो ये तुम उस इंटरवल को ऐसे इंटरवल लेना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हारा वो इस ये प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आए, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तुम्हें ए और उस बी का एक डिवाइड लेना पड़ेगा और उस चीज़ को तुम सी बोलोगे, ठीक है, उसका मिड पॉइंट लोगे और उस मिड पॉइंट पे, ठीक है, तुम उसका वैल्यू निकालोगे। ये मैं ठीक से लिख देता हूँ, फाइंड एफ सी, ठीक है, फाइंड एफ सी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस केस में एफ ए पॉजिटिव है, सपोज इमेजिन करो कि एफ ए जो है तुम्हारा पॉजिटिव है एंड एफ बी जो है तुम्हारा नेगेटिव है, ठीक है, एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी तुम्हारा नेगेटिव है। तो इस केस में अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा एफ बी सी जो है वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर तुम्हारा पॉइंट इज इफ एफ सी इज पॉजिटिव, ठीक है, अगर एफ सी इज पॉजिटिव तो हम क्या कंसीडर करेंगे, तो हमारा जो इंटरवल होगा वो होगा एफ बी सॉरी इस विल बी अगर पॉजिटिव हुआ तो अपडेट हमें ओके इसको हमारा जो नया होगा वो होगा एफ सी इन टू एफ बी, ये वाला टर्म जो होगा वो हमें नेगेटिव देगा, राइट। पर अगर हम इसमें कंसीडर करेंगे, अगर एफ सी और एफ ए का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर हम एफ सी अगर तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ज़ीरो एक्स इक्वल टू ज़ीरो वाला केस जो है जीरो जिस केस में हो रहा है वो हमारा एफ सी और एफ सी एफ बी के बीच में लाई कर रहा है, राइट। अगर हमारा एफ सी जो है वो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलता और तो क्या होता कि हमारा एफ सी और एफ बी जो है हमें पॉजिटिव वैल्यू देता, ठीक है, और हमारा एफ सी और हमारा एफ ए जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता। उसमें इस केस में हमारा एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो है वो इस केस में होल्ड करता, ठीक है। तो हमारा इस केस में जो हमारा अपडेटेड इंटरवल होता वो होता ए कोमा सी और इस केस में जो हमारा अपडेटेड इंटरवल होता वो क्या होता हमारा बी कोमा सी, ठीक है। और अगर हमें तो हमें ये होगा हमारा हो जाता हमारा अपडेटेड इंटरवल। अब हम क्या करेंगे, इस अपडेटेड इंटरवल में हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें इस अपडेटेड इंटरवल में, ठीक है, ये इस बी कोमा सी अगर हम फर्स्ट केस में बी कोमा सी एक काम करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि लेट्स अज्यूम हमारा एफ सी जो है वो नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो हमारा जो नया इंटरवल होगा वो क्या होगा, हमारा ए कोमा सी। तो अभी क्या करेंगे, हम वापस से इस फंक्शन का ए बीच वाला पॉइंट निकालेंगे जिसको मैं बोलता हूँ डी, ठीक है, जो कि ए वाला प्लस सी बाई टू, और उसमें हम वापस से चेक करेंगे कि एफ डी का वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर एफ डी का वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव हुआ तो सेम वही कहानी चलेगी, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो एक कहानी, नेगेटिव हुआ तो दूसरी कहानी। हम वो इंटरवल निकालने की कोशिश करेंगे जहाँ पे
ऐसे प्रोडक्ट करके हमारा जो टर्म है वो ऐसे प्रोडक्ट करके हमारा जो टर्म है वो नेगेटिव आए, ठीक है, हम वो इंटरवल ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर किसी पॉइंट पे जीरो मिल गया आंसर कि एफ बीच करते रहते जीरो आ गया, तो उसका मतलब वो हमारा आंसर हो गया, वरना क्या होगा कि हम कंटिन्यूसली उस पॉइंट के पास जा रहे हैं तो जो कि ऐसे उस पॉइंट के पास जा रहे हैं जो कि जिसके पास हमारा वैल्यू जीरो होगा। मैं पिक्टोरियली मैं समझाता हूँ, ठीक है, समो इमेजिन दिस इज योर फंक्शन, ठीक है, तो तुमने ये पहले ये दो इंटरवल कंसिडर किया, ठीक है, ये दो यू हैव कंसिडर दिस टू इंटरवल। अभी तुम्हें पहले क्या किया, तुमने फर्स्ट तुमने ये बीच वाला वैल्यू निकाला, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है, ठीक है। अब तुमने क्या देखा कि ए और सी के बीच का यहाँ इस दोनों केस में एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, पर इस दोनों के केस में एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये क्लियरली पिक्टोरियली हम देख पा रहे हैं कि हाँ इसका जो रूट है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा जो नया इंटरवल है वो होगा ए कॉमा सी। तो हम क्या करेंगे, हम इसी रीजन को कंसीडर करेंगे और हमने एक नया अपडेटेड रीजन लेंगे जो कि है पॉइंट डी, इसके बीच में आता है, एंड वो पॉइंट डी के बीच में हम वापस देखेंगे एफ ऑफ डी का क्या वैल्यू आता है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि पहले ये धीरे धीरे ना ये इस जीरो पॉइंट के बहुत नज़दीक आता जा रहा है वो पॉइंट। तो वही है आइडिया बाइसेक्शन मेथड का कि तुम, और ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये इसको बोला जाता है, ये हाफ स्पीड से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, यानी कि एरर जो है ना बहुत हाफ हाफ हर स्टेप में हाफ हाफ करके वो डिक्रीज होता है, इससे एक्चुअली को, ठीक है, ये एल्गोरिथम स्पीड है। तो एक एक काम करते हैं हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एग्जांपल क्या है कि हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेने वाले हैं, तो उस जिसको हमें ईजी आराम से नोट निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब का हमें पता है कि रूट क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। हम इसको अभी हम बाइसेक्शन मेथड से निकालेंगे कि इसका रूट क्या होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसका इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, इंटरवल जो है हम कंसिडर करते हैं इसकी 2, -3, ठीक है। हम -3 कंसिडर करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि सेकेंड इटरेशन में तुम्हारा वो वैल्यू कितना क्लोज आ जाता है जीरो के, ठीक है। तो ये फिर हमें क्या वैल्यू मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि हम टू निकाल देते हैं। सो एफ ऑफ टू जो है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा 8 हो गया, और एफ ऑफ -3 क्या हो गया, वो हमारा -27 हो गया, ठीक है। तो क्लियरली ये जो केस है 8 and -27, एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ -3 इज नेगेटिव। बेसिकली ये फंक्शन इस दोनों ये 2 और -3 के बीच में इसने एक जीरो पॉइंट को क्रॉस किया है, ठीक है, एक या 2 और -3 या हाँ इसमें इसको मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये -3, 2 होना चाहिए, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, ये -3, 2, तो इस बोल रहा है कि ये -3 and 2 के बीच में -3 on this other side, तो -3 और 2 के बीच में इसने जीरो को क्रॉस किया, ठीक है, दिस इज़ द आइडिया। अभी क्या है कि हमें इसका बीच का पॉइंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमें इसका बीच का पॉइंट निकालना पड़ेगा। सो 2 + -3 क्या होता है, तो 2 + -3 क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, ये जो टर्म आता है इट्स -1/2। सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एफ ऑफ -1/2 निकालना पड़ेगा, तो एफ ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -1/8, जो कि एक नेगेटिव टर्म है, राइट। तो यानी कि हमारा जो रूट एग्जिस्ट करेगा, तो एफ ये इसको मैं क्या बोलता हूँ, मैं सी बोल देता हूँ, ठीक है। सो एफ ऑफ -1/2 इंटू एफ ऑफ 2 अगर करेंगे तो इस केस में ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, राइट। पर एफ ऑफ -3 और या -1/2 अगर करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि क्या हुआ, हमारा जो रूट है वो इसके दोनों इस इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हमारा अपडेटेड इंटरवल है
-2.2। ठीक है, अभी क्या करना है कि हमें इसका सीक वापस एक नया मिड टर्म वैल्यू निकालना है, जो कि होगा -0.5 + 2 / 2। ये कितना हुआ, ये 2 का यानी कि 3/2 / 3 यानी कि 3/4। राइट, ये हो गया हमारा वैल्यू 3/4। तो 3/4 में हमारे पास f ऑफ 3/4 कितना हुआ, तो f ऑफ 3/4 जो होगा हमारे पास होगा 20 × 9 = 27 16 × 64। राइट, दिस विल बी 27/64। सो ये हमारे पास नया f का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी इस नया f का वैल्यू जो है इट्स ए पॉजिटिव टर्म। राइट, और हमने पहले देखा था कि f ऑफ माइनस जो यहाँ पे हमने देखा था f ऑफ माइनस हमारा इंटरवल जो है -0.5 और 2। राइट, तो -0.5 पे हम देखा था ये नेगेटिव आ रहा है, पर f ऑफ 2 में हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है और हमें जो आउटपुट आया है इस पर पॉजिटिव। तो हमारा जो अपडेटेड इंटरवल होगा वो होगा -0.5, 3/4। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ये हमारा सेकेंड इंटरेशन है तो इसमें हमें बीच वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, जिस इस न्यू मिड टर्म्स इसको मैं सी से ही नहीं वापस डिनोट करता हूँ, C + 3/4/2, दैट इज 3/4 + 1/2। सो इसको मैं क्या करता हूँ, -1/4 कर देता हूँ, -1/4 + 3/4 / 2, दैट इज 1/2, दैट इज 1/4। ठीक है, सो आफ्टर सेकेंड इंटरवल ये जो वैल्यू आया ये आया 0.25। सो ये जीरो के क्लोज है, पर ये जस्ट हमें सेकेंड इंटरवेशन इंटरवल में 0.25 मिल गया, जो कि जीरो के बहुत थोड़ा क्लोज है। पर ये हमने अगर हम तुम लोग प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये आपने देखा होगा कि ये जो है ना थोड़ा सेकेंड स्टेप में कंपेरेटिवली पहले न्यूटन रैफसन मेथड के थोड़ा स्लो कन्वर्ज कर रहा है। तो यही है कि तुम्हारा जो बाइसेक्शन मेथड है वो कंपेरेटिवली तुम्हारा न्यूटन रैफसन मेथड से वो स्लो कन्वर्ज करता है। भाई आपको आई होप आपको एग्जांपल समझ आएगा, तो समझ आएगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।